हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बीबी एंड स्टडी। फ्रेंड्स, कल हमने फैक्टराइजेशन के कुछ टॉपिक्स करे थे, आज हम इसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के हम डिवीजन देखेंगे क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट थिंग इज मोनोमियल बाय मोनोमियल। इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मोनोमियल बाय मोनोमियल का मतलब होता है कि इसमें एक एक टर्म होती है। यानी कि मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगी। इफ वी हैव 6x cube divide 2x, यानी कि 6x cube upon 2x। इसमें हम देख सकते हैं 6x cube divide 2x, ये एक ही टर्म है, तो हम इसको कहेंगे मोनोमियल बाय मोनोमियल। देन सो पहले हम इसके फैक्टर्स करते हैं। 6 को हम एज इट इज ऐसे लिखेंगे, 6x क्यूब, यानी कि एक्स क्यूब मीन्स x multiply x cube, मतलब तीन बार हम इसको लिखेंगे, डिवाइड बाय 2x। तो हम देख सकते हैं कि 2 के टेबल में 6 आता है, 2 3 6, x को x के साथ एक कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया, 3 2x 3x square। इट इज द आंसर ऑफ मोनोमियल बाय मोनोमियल। सो इस तरह से हम डिवाइड करते हैं मोनोमियल बाय मोनोमियल अगर दोनों की टर्म एक हो। इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो द सेकंड पार्ट इज, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक इज, नाउ नेक्स्ट इन डिवीजन वी हैव द पॉलीनोमियल बाय मोनोमियल। पॉलीनोमियल बाय मोनोमियल, इसका मतलब ये है कि जिसमें कितने भी टर्म्स हो सकते हैं। यानी कि लेट्स सी एग्जांपल, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, इट इज अ एग्जांपल ऑफ पॉलीनोमियल बाय मोनोमियल। सेकेंड एग्जाम्पल इज 24x² yz xy² z + xyz² divided by 8xyz। इसमें हम देख सकते हैं ये पूरे का पूरा है पॉलिनोमियल, और इसको हमने जिसके साथ डिवाइड किया है वो है मोनोमियल। यानी कि 24x² yz + xy² z + xy z² इज अ पॉलिनोमियल, डिवाइडेड बाय 8xyz इज अ मोनोमियल। सो हम देख सकते हैं 24x² yz xy² z + xy z² हमने एज इट इज ही लिख लेना है, और डिवाइडेड बाय 8xyz। फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं कि 8 के टेबल में 24 कैंसिल हो रहा है, सो 8 3 24, xyz हम इसमें कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। देन वी टेक कॉमन फैक्टर, लाइक 3 हमने 8 के टेबल से हमने 3 24 कैंसिल किया था, तो 3 आ गया था कॉमन, इसमें से निकला तीनों में से x² yz + xy² z + xy z² इन तीनों में से हम देख सकते हैं xyz कॉमन निकल रहा है, xyz, तो अंदर क्या रह गया, x + y + z, नीचे xyz से xyz कैंसिल हो गया, सो द आंसर इज 3x + y + z। इट इज द आंसर ऑफ दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो सब अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। थैंक यू।